नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। भाई आप सबका स्वागत है हमारी माइनक्राफ्ट के केजी साम्राज्य की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। सबसे पहले तो देखो मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी भाई आर्मर एन्चेंटमेंट वगैरह पड़ी हुई हैं। इन सबको जो है मैंने संभाल कर रखा है, ये मुझे जो है इसी फार्म से मिली है जो पीछे आपको फार्म ये दिखाई दे रहा है भाई। इसी से लगभग 10 मिनट ढूंढने के बाद जो है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये रहा वो निशान जहाँ से जो है हमारे विलेज को रास्ता जाता है। अभी जो है मुझे इस जगह को बिल्कुल याद रखना है, तो ही मैंने मैप बना लिया था। अभी देखो ये रहा अपना कैसल सामने की, और हमें कैसल के नीचे से ही होकर जाना होता है। ठीक है, समझ गया। आई को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक सेट ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। वो रहा सामने विलेज, दिखाई दिया होगा काफी लोगों को। मैं अभी वहीं पर जाने वाला हूँ, फिर अच्छी तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने टावर को इसीलिए बनाया था, यहाँ पर जो है एक रेलवे स्टेशन बनाने वाला था। तो मुझे बताना कि मैं इस रेलवे स्टेशन को बनाऊं, कमेंट करके बताना अच्छा सा। ओके यहाँ पर जो है मैंने एक फार्म बनाने की कोशिश की थी, जो फार्म जो है बिल्कुल फेल हो चुका था। ये देखो कितने सारे विलेजर है, लेकिन यार ये सोते भी नहीं है, रोते भी नहीं है, पता नहीं क्या सीन है इनका। यहाँ पर इन्हें यहीं पर रहने देते हैं, इनकी जिंदगी में यही लिखा हुआ है। मगर क्यों मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। चलो अभी मैं लाइब्रेरियन के पास पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर से जो है जितना भी सामान है सबको हम लोग उठाने वाले हैं, और एक या चार बुक्स तो मिल चुकी हैं। चलो नहीं तीन है, चलो तीन तो मिल चुकी है, और इसको तोड़ता हूँ। इससे भी तीन, मतलब कि तीन 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 पता नहीं कितनी मिलेंगी। यहाँ पर सभी की सभी बुक्स को मैंने कलेक्ट कर लिया, और 12 बुक्स मिली है। 12 मतलब कि 12 एन्चेंटमेंट जो है मैं अभी सही तरीके से लगा सकता हूँ। और अभी चलते हैं इस विलेज से, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। और यार मुझे कमेंट में बताना इस वाले फार्म को कैसे सही करें भाई। अच्छा A few moments later. Okay, तो भाई अभी जो है मैं लगभग एक आधे घंटे से यहाँ पर लगा हुआ एक्सपी गेन करने के लिए, लेकिन मेरी जो है वहां से 10 से सिर्फ और सिर्फ 24 हुई है, जो कि अभी 25 होने वाली है अपनी एक्सपी, जो कि काफी अच्छी बात है भाई। और यहाँ पर देखो भाई, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर देखो कितनी सारे यहाँ पर जो है रोटन फ्लैश पड़े हुए हैं। ये ज़ॉम्बीज का माल है सारा का सारा। और यहाँ पर जो देखो मुझे बो से मारना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड की जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा लो हो चुकी है। और मैं आपको चेस्ट के अंदर से दिखाता हूँ, चेस्ट के अंदर कितना, ये देखो मुझे एक डिस्क भी मिली है C418 नाम की। ये पता नहीं कौन सी डिस्क है यार, मुझे कमेंट में बताना कि इस वाले म्यूजिक को मैं कैसे प्ले कर सकूं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताना जल्दी से जल्दी। यहाँ पर देखो भाई मुझे कितनी कितनी अच्छी अच्छी लूट मिली है इस वाले फार्म से। इस वाले फार्म को कैसे बनाना है तो आप लोग नहीं पता आपको, तो मैं आपको कमेंट में एक वीडियो की पिन दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वाले फार्म को कैसे बनाना है। साथ यहाँ पर शोवल में रुको, मैं आपको शोवल भी दिखाता हूँ। शोवल में जो है मुझे मिला है एफिशिएंसी 2, प्रैग हो गया, बच गया भाई। मैंने क्रीपर की ओर ध्यान ही नहीं दिया और यहाँ पर लग गए। तो चलो भाइयों यार अभी हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है अपनी बुक को रखते हैं एक साइड, रखेंगे हम लोग लैपिस, ये एक्वा एफिनिटी, ये प्रोजेक्टिव प्रोटेक्शन, और लास्ट में है पावर 1। और अभी गाइस अपनी जो है एन्चेंटमेंट वगैरह मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ये रही अपनी पावर 1 नहीं चाहिए, ये रही अपनी एफिशिएंसी 1। एफिशिएंसी 1 को मैं लगाऊंगा अपनी पिकेक्स के अंदर, आयरन की पिकेक्स। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसे तैयार कर दिया है। यहाँ पर जो है ये पता नहीं कौन सी वाली है, शार्पनेस 1 को जो मैं सोच रहा हूँ अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लगाऊं। और शार्पनेस 1 दो है मेरे पास, अगर इन दोनों को मर्ज करूंगा। और अभी जो है गाइस मुझे शार्पनेस 2 मिल चुकी है आराम से। शार्पनेस 2 को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और इसके साथ जो मैं अपनी आयरन की स्वॉर्ड लगाऊंगा। यहाँ पर जो आयरन की स्वॉर्ड भी पूरी शार्पनेस 2 के साथ आ चुकी है। वैसे शोवल को जो है रिपेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आयरन और लगेगा, एंड अपनी जो शोवल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो गाइस यार अभी आप लोग देखो मेरा हेलमेट भी एन्चेंटेड है, चेस्ट प्लेट भी एन्चेंटेड है पूरी, हमारी जो पैंट है वो भी एन्चेंटेड है, और बूट भी एन्चेंटेड है। यहाँ पर मेरे पास स्वॉर्ड है वो भी एन्चेंटेड है, इसके अंदर देखो कौन सा लगवाया, शार्पनेस 1 और पंच 1। और मेरे पास बो भी है जिसके अंदर जो है अनब्रेकिंग 1, पंच 1, और पता नहीं कौन सी। यहाँ पर देखो भाई मैं बता नहीं सकता कितनी सारी ज्यादा एन्चेंटमेंट है मेरे पास, जिसे देखकर यार बहुत खुशी हो रही है। और अभी यार मुझे इन चीजों को खोना नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने अपनी डायमंड और डायमंड की पिकेक्स और डायमंड की स्वॉर्ड और बहुत सारे सामान को ऐसे ही गवा दिया था नेदर में। नेदर में मैं इसीलिए नहीं जाता, लेकिन लेदर को मैं कैसे कलेक्ट करूँ बिना किसी जानवर को हानि पहुंचाए, तो मुझे कमेंट में बताना यार लेदर को कैसे कलेक्ट करें बिना किसी जानवर को मारे। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था यार, मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है पूरे पहाड़ को तोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल प्लेन करेंगे अपने जो
बाउंड्री है इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जो है थोड़ा थोड़ा काम ऑफ कैमरा भी करूंगा। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।